नमस्कार, आप सभी लोगों को श्रावण मास की बहुत बहुत बधाई। भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए ये अति प्रसन्नता का समय है। साल भर से हमें श्रावण मास का इंतजार रहता है, वो इंतजार खत्म हुआ। भोलेनाथ की आराधना का और अपनी स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी बढ़ाने का समय आ गया और इस बार तो भोलेनाथ के भक्तों को और ज़्यादा प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ 2 महीनों तक लगातार आराधना का और स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी का मौका दे रहे हैं। तो पहले जान लेते हैं कि अधिक मास कब से कब तक है। 18 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक अधिक मास है। 4 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक श्रावण माह का कृष्ण पक्ष है और 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक श्रावण मास का शुक्ल पक्ष है। ठीक है, बीच में हमारा पुरुषोत्तम माह कैलकुलेट हो रहा है और आगे पीछे श्रावण मास कैलकुलेट हो रहा है। अब बात करते हैं हम व्रत की। तो अगर व्रत जो भी व्यक्ति श्रावण सोमवार व्रत रखते थे पिछले साल तक, उन्हें इस बार व्रत रखने में कंफ्यूजन होगा। तो वो कंफ्यूजन ये होगा कि हमें पूरे व्रत करने हैं या सिर्फ 4 ही करने हैं और कौन से 4 करने हैं। तो अगर आप 4 करना चाहते हैं तो शुरू के 2, जब कृष्ण पक्ष हो रहा है और जब शुक्ल पक्ष हो रहा है श्रावण माह का, तब करने हैं। लेकिन मेरी सजेशन तो यही रहेगी कि आपको जो 8 सोमवार पड़ रहे हैं उसमें पूरा आप व्रत रखिए। वो अगर आपकी हेल्थ अलाउ करती है तो आप 8 के 8 सोमवार व्रत रखिए, उससे आपको ही बेनिफिट होगा। क्योंकि ये जो पुरुषोत्तम मास है वो भगवान विष्णु को समर्पित मास है और जो श्रावण मास है वो भगवान भोलेनाथ को समर्पित मास है। तो जब एक दूसरे के आराध्य हैं, ये भोलेनाथ और विष्णु भगवान एक दूसरे के आराध्य हैं और हमें एक दूसरे के आराध्य की आराधना अलग अलग से इस बार नहीं करनी, एक साथ ही करनी है। तो इन 2 महीनों पर आप पूरा लाभ उठाइए, आनंद लीजिए भगवान की भक्ति का, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कहना चाहूंगी कि आप सभी लोग इन 2 महीनों पर पूरा सात्विक आहार ग्रहण कीजिए, शुद्ध आचरण के साथ भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए और प्याज लहसुन पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। अब जिन लोगों को बाहर आना जाना रहता है उनके लिए मैं नहीं कह रही हूँ, बट जो घर में रह रहे हैं और जो आराम से ये चीज़ें कर सकते हैं वो उन्हें करना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं कि अभिषेक किन किन चीज़ों से करना है। तो भगवान भोलेनाथ तो वैसे बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, पर अपनी संतुष्टि के लिए हम जिस भी प्रकार से पूजन करना चाहें भगवान भोलेनाथ सब कुछ स्वीकार करते हैं। तो आप इनका अभिषेक दूध से, दही से, गंगा जल से, घी से, शहद से, शक्कर से, फलों के रस से, किसी भी प्रकार के द्रव्य से कर सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप खाली जल से ही कर सकते हैं। फूल, बेल पत्र, धतूरा, दूर्वा, समी पत्र, ये सारी चीज़ें आपको भगवान को चढ़ानी है। ठीक है, और कुछ लोग पार्थिव शिवलिंग बनवाते हैं या कि खुद बनाकर पूजन करते हैं, तो उनके लिए भी है कि अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनवा रहे हैं तो अगर पूर्व पंडित को बुलाकर करवा रहे हैं तो वो तो सारी विधि विधान से ही करवाएंगे, पर अगर आप स्वयं डेली पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। उसमें दूध पंचम से स्नान करवाइए, दूध दही घी शक्कर शहद इन चीज़ों से अभिषेक करवाइए, करिए। और व्रत के दिन क्या भोजन ग्रहण करना है इसकी बात करते हैं। तो व्रत के दिन हमें फलाहार लेना है, नमक नहीं लेना है। और हवन की बात करेंगे तो अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आप डेली शाम को, जब व्रत आपका श्रावण सोमवार आप व्रत कर रहे हैं उस दिन जब फलाहार करना है शाम को आपको, तो फलाहार के पहले आप हवन लगा दीजिए। ठीक, और जो लोग 2 महीनों तक भगवान भोलेनाथ की आराधना करने का संकल्प लिया है या कि फिर जिन जो सब आराधना कर रहे हैं व्रत नहीं कर रहे हैं तो वो पूर्णिमाशी के दिन हवन करेंगे। ठीक है, और फिर तीसरी चीज में आ जाते हैं कि मंत्र जाप कौन सा करना है, कैसे करना है। तो अगर आपके पास
सुबह का समय अच्छा माना जाता है। तो आप, अगर आपके पास समय है तो आप सुबह नहाने के बाद, सारी पूजा करने के बाद लास्ट में अच्छे से बैठ जाइए आरामदायक पोजीशन पर। उसके बाद आप रुद्राक्ष की माला ले लीजिए और उससे जाप कीजिए। बट अगर जो लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं उनके पास समय नहीं है, तो वो शाम को आकर पूरे कपड़े चेंज करके और अच्छे से हाथ पैर धोकर भगवान भोलेनाथ को दिया जलाइए, और उसके बाद आप जो भी मंत्र पढ़ते हैं, वो ओम नमः शिवाय का, महामृत्युंजय का, जो भी मंत्र आप पढ़ते हैं उसे रुद्राक्ष की माला से आप उसका जाप कीजिए, ठीक है। और पॉइंट जो आपको याद रखने हैं वो यही है कि आप लहसुन प्याज अवॉइड करिए, शुद्ध आचरण रखिए और भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती रहेगी। थैंक यू।